वाराणसी में पचकोस चल रहा है और पचकोसी यात्रा का पाचक पड़ाव कपिलधारा में है। जब हम कपिलधारा पहुँचे, पचकोसी यात्रियों का हाल चाल जानने पहुँचे तो यात्री नगर निगम और सफाई कर्मियों की शिकायत करने लगे। पवित्र श्रावण मास पर कांवरियों एवं पुरुषोत्तम मास में पचकोसी यात्रियों के लिए शासन द्वारा कितनी सुविधा दी जा रही है, इस बात की पुष्टि खुद यात्री कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत सिंह की रिपोर्ट। मैं सुजीत सिंह, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज़। आज हम कपिलधारा में मौजूद हूँ। कपिलधारा के 5 नंबर धर्मशाला में यहाँ पे पंचकोशी यात्रियों के हालचाल जानने के लिए आए। यहाँ पे धर्मशाला की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, जैसा कि यात्री लोग काफ़ी खुद मेहनत करके साफ सफाई किए और बड़े ही दुखी ये लोग यहाँ की व्यवस्था से नज़र आ रहे हैं, जैसा कि इन लोगों की वक्तव्य से मालूम हो रहा है। आइए बात करते हैं, दिखाते हैं आप लोग का, इन लोगों का क्या कहना है। जैसा आपका परिचय अपने बताइए। मैं रामचंद्र गुप्ता रहने यहाँ पे आने पर ऐसी व्यवस्था देख कर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई के मामले में हम लोग आपके साथ जो अपने और प्लस झाड़ू लेने के लिए भी बता रहे हैं, तो यहाँ के जो सफाई कर्मी है उन्होंने ये मतलब मना कर रहे हैं कि नहीं 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 मत छुआ, ऐसी किसी को सफाई कर्मी के ऊपर भी दर्द हो रहा है, लेकिन खासी थे कि इसके लिए हम थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे। 10,000 आदमी सामने हम निकल रहे हैं, 40 भगवान के सामने आ रहा है। ये झाड़ू आप उनका सफाई कर्मी का ही उठा रहे थे, तो खुद को साफ किए नहीं और आप उनका झाड़ू ले रहे थे, तो उसके लिए मना कर रहे थे। उसके लिए उनको बोले गए थे क्रोधित होकर बढ़ाए, थोड़ा उनके पास झाड़ू रखा, उसके बाद फिर झाड़ू उठाया, लेकिन फिर भी दिल खोल साफ किया। गुरु जी ने बोले कि अभी ऐसा है, आप यहाँ पे आए बुलाए लाए तो थोड़ा आए काम। चलिए क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ पे धर्मशाला में आप आए हैं, तो धर्मशाला की व्यवस्था में क्या तकलीफ आपको दिखी, क्या यहाँ पे होगा? उस समय हम लोग यहाँ आए, उस समय व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, सारी तरफ लाइटें ओवरफ्लो होकर घूम रहे बह रहे थे नाले, और सारे गंदगी के पैर जो है किया भरा हुआ था, इस समय जाके थोड़ा सा साफ सफाई। ये सेफ्टी टैंक ओवरफ्लो के सारा पानी इधर डूब रहा, सब जगह पूरा सारी पानी है, करके दिखा सकते हैं, तो वहाँ तो ऐसी स्थिति थी। अभी ऐसा आप उसमें उस समय कंडीशन थी, आप इसमें पैर नहीं रख सकते। आप कहाँ से आए? जी वाराणसी से। थोड़ा लालपुर पांडे, लालपुर पांडे। आप कहाँ से आए हैं? रामेश्वर से। रामेश्वर से आए हैं जी सर। क्या यहाँ पे व्यवस्था क्या दिखी आपको? व्यवस्था सर जी यहाँ का सबसे दुर्दर्भ था, यहाँ पर कोई साफ सफाई या बर्ग एकदम नहीं था, जनता परेशान है, लेटरिन के लिए सारा गंदगी सारे लेटरिन में पड़ा हुआ है, कोई ना सफाई है ना कोई व्यवस्था है। अगर किसी को प्रधान के मैंने बोला, अरे प्रधान जी आप भी देख लीजिए क्या साफ तो है, हम कह जाइए पहले देखिए, वहाँ पर देखिए फिर लौट के, फिर इसके बाद ये साफ हुआ, अब कैसे हुआ ये नहीं बता ये कैसे साफ हुआ है। साफ करने वाले हम लोग सहयोग करने लगे, तब उनको स्वयं आए तो वो लोग आके थोड़ा साफ मेहनत, यात्री लोग थोड़ा साफ किए। ये लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? हाँ बोलिए, ये लोग सही बोल रहे हैं, गंदगी थी यहाँ पे। अगर हम दिखा दो तो क्या कहेंगे बताइए, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? रामेश्वर बहुत बढ़िया, रामेश्वर शिवपुर दोनों, रामेश्वर रामेश्वर दोनों बहुत सबसे खराब स्थिति यहाँ की, स्थिति सबसे खराब, सबसे खराब। इनसे पूछिए उस समय आए थे, इनसे पूछिए पटिया हटा कर मैं यहाँ पटिया जब झाड़ू मार पटिया हम लोग जैसे बेमन का काम करें, अच्छा तो सब पटिया अपने हाथ से हटाए कि बाबा हर करे जो तुम्हारे गंदा है इसके नीचे, इसके नीचे तभी हम पटिया हटाए, और भाई मेरे सफाई के जहाँ आप खड़े हैं ये सब सारा ओवरफ्लो था स्वयं से। पाँचों पड़ाव में समझिए सबसे दुर्व्यवस्था यही था, चार व्यवस्था जो बहुत खुश थे, लेकिन ये पाँचवा पड़ाव में एकदम गंदगी आती है,
एक व्यवस्था यहाँ का कोई अच्छा नहीं है, सारा व्यवस्था चरमरा है, झाड़ू भी नहीं लगा, देखो ना झाड़ू भी नहीं लगा। अभी हम आपको लैट्रिन वहाँ का दिखा दें, सारा एकदम फटा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्था सबसे बहुत गंदगी, और बदतमीजी भी कर रहे हैं आके कार्यकर्ता, सफाई कर्मी कहने पे बदतमीजी भी कर रहे हैं, सफाई आप लोगों के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। हाँ, सबसे नंबर एक बार व्यवस्था रामेश्वर शिव भाई, चलिए ये गंदगी जरा देखिए, इधर जरा देखिए, यहाँ पे यात्री लोग आते हैं, ऐसी स्थिति से व्यवस्था है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल मिश्रा, और जो कि पचकोसी यात्रा में हम लोग आए हुए थे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का सीवर था वो पूरा भर गया था, और उसके बाद सफाई कर्मियों को जो बुलाया गया तो वो जल्दी जो है जनता हमारी जो यात्रीगण थे उनके साथ जो है कि बड़े बदतमीजी से बात कर रहे थे, जैसे जना रहा था कि जो है ये हम लोगों के अधिकारी हैं और हम लोग यात्रा में आए हैं। उसके बाद हम लोग यात्रीगण खुद स्वयं सफाई किए। हाँ, इधर 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 भी देख सकते हैं, आप इधर जरा दिखाइए, ये देखिए ये पानी का टंकी है, और ये कंटिन्यू पानी यहाँ से गिर रहा है। ये नगर निगम, नगर आयुक्त, महापौर, सभासद किसी को नहीं पड़ी है। जैसा कि सभासद जी से मैंने बात किया, तो सभासद जी का कहना है नगर आयुक्त कोई सुनवाई नहीं। ये देखिए व्यवसाय यात्री का गंदगी में बैठे हुए थे, पूरी 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 सी नीचे पूरे यात्री पूरा यात्री। क्या मच्छर की दवा नहीं मारी गई है, बहुत अच्छा था। मैं पानी डाला गया है, क्या कर रहे हैं? और इतना जा रहे थे सर, इतना गंदगी ऐसा व्यवस्था कभी नहीं मिला था। इस बार इतना गंदगी है, इतना अव्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ पे तो आएंगे नहीं, मोदी जी उसके लिए यहाँ पे साफ सफाई रखने के लिए मोदी जी ने नगर निगम बनाया है, नगर आयुक्त है यहाँ पे, महापौर है, अलग चीज़ है, मोदी जी के ही है नगर आयुक्त, महापौर मोदी जी के ही है, मोदी जी के हैं, तो हम मोदी जी के ही सर बताइए मोदी जी क्या करें। माता जी सारा मोदी जी का क्या दोष है, हर घर जाके तो नहीं हमने मोदी के प्रोजेक्ट भी तो भेजे हैं, मोदी क्या करें, मोदी जी की तो सब हमने आपका तो दोष ही आज होगी कि जो लोग इतना निश्चिंत है कि हम लोग का एक रुपया नहीं मिलाया, कहीं फिर नहीं बने तो हर जगह मोदी जी हर घर में तो मोदी जी का कोई दोष नहीं, खाली यहाँ यहाँ के प्रशासन का दोष। सप्तम मास में श्रावण में कांवड़ियों के लिए और पुरुषोत्तम मास में पंचकोसी यात्रियों के लिए योगी जी जितना सुख सुविधा देने की बात कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ सरकार जिसको लोकल बॉडी गवर्नमेंट कहा जा सकता है, जो नगर निगम है और महापौर, उनकी क्या व्यवस्था है, योगी जी का कितना सुनते हैं और योगी जी के फरमान को कितना तवज्जो देते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा मैन से बोलूँगा कि दिखाएं जरा आपको। यात्रियों यहाँ पे ये पंचकोसी यात्री लोग आए हैं और यहाँ पे बहुत दुखी हैं लोग यहाँ की गंदगी से और यहाँ की व्यवस्था से।
न पंखा भी नहीं, कहीं न पंखा है न कहीं लाइट, गर्मी में बेचारे लोग रहने के लिए मजबूर है। लाइट यात्री भी एक दिन में, पहला मैं अपने बोला जाएंगे कि दिखाइए एक दिन में हाइड्रोजन जल रहा है, कौन जिम्मेदार होगा इसका कि दिन में हाइड्रोजन जल रहा है, ये देखने वाला कोई नहीं है। और सभी लोग देख लीजिए, मैंने बोलिए गंदगी की क्या सफाई की क्या व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत गड़बड़ लग रही है। यहाँ के सफाई कर्मी प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, बाकी आपके सहयात्री लोग जो है इन लोगों का शिकायत है कि यहाँ पे बहुत काफ़ी गंदगी है और यहाँ के जो कर्मचारी सफाई कर्मी लोग हैं वो लोग बदतमीजी से भी पेश आ रहे हैं। हाँ ये सब तो चल ही रहा है, पर एक दिन के लिए हम लोग आए क्या कहें, तो आप ही देख ही रहे हैं। नहीं हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों से तो जानना पड़ेगा ना, हमारे अकेले देखने से होगा नहीं। आपके लिए सब जो है आप कुछ गलत नहीं बोल रहे बाबू, काम भाई तो मेरे भाई मन भाई एक से उठा पूर्व काम करने वाले बात अपने से भी लिखा चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट को सर हमारे डिपार्टमेंट बात पता है उसके तो उसमें कोई शिकायत नहीं बनती सहनी था, धर्मशाला के बाहर निकल रहे थे, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, पता चला हम लोगों को ये बताया गया कि नगर निगम द्वारा हो गया, जबकि माननीय योगी जी मोदी जी का ये आदेश है और ये कह रहे हैं कि यात्रियों को सुविधा नहीं होनी चाहिए पंचकोशी यात्रा में, मार्ग में संतों के लिए सुविधा होनी चाहिए, लेकिन ये बिचौलिए लोग जो बीच के हैं अधिकारी कर्मचारी ये लूटे खाए जा रहे हैं, योगी को भी बर्बाद कर रहे हैं और जनता संतों को खाए जा रहे हैं, आप लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। तो मेरा मीडिया से अनुरोध है कि आप लोग योगी बाबा की हमारी लोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्या व्यवस्था थी यहाँ पे आप लोग आए थे? हम लोग जब आए थे तो यहाँ रहने योग्य एक भी स्थान नहीं था, यहाँ पे सीरेज का पानी सब भरा हुआ था और दिखाने के नाम पर केवल ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव थोड़ा सा किया गया था, सभी बात छिड़का गया का गटर दिख रहा है पूरी तरह से भरा हुआ था, और जब हम आए हैं तो ये बरगद के पेड़ के चारों तरफ ना
पंडू के बराबर पे पानी भरा हुआ नाली हमारे भक्तगढ़ यहाँ पर उसके अगर वो पैर पत्थर पे भी रख रहे थे तो भी उनके पैर में वो शौचालय का पानी नफर हो रहा था। हम भोलेनाथ के दरबार में आए थे, यहाँ हमको पूरी शुद्धता चाहिए। अगर ये गटर का पानी बाहर आता है तो फिर क्यों नहीं, मतलब शासन उसकी सुविधाएँ दे रही है तो वो जो निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी क्यों नहीं उसके लिए काम कर रहे हैं। इसकी पहले से जांच करनी चाहिए कि उसका पानी फ्लो होगा या नहीं होगा, भक्तगढ़ों में कितनी परेशानी होगी, पीने के पानी के बराबर शुद्धता है या नहीं है, शौचालय बराबर साफ है या नहीं है, बराबर सफाई है या नहीं है, इसकी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रशासन से पूछो या शासन से पूछो, जवाब किसको देना ही होगा, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। अभी वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं पंचकोसी की परिक्रमा में आपका स्वागत है, क्या गटर के पानी से स्वागत किया जाएगा। देखिए जैसा कि ये यात्री बता रहे हैं कि बड़े बड़े बोर्ड सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है कि पंचकोसी यात्रा में आपका स्वागत है, और स्वागत कैसे किया जाता है कि गंदे पानी से गटर के पानी से स्वागत किया जाता है।